हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप एक न्यू ईमेल आईडी बना सकते हैं। हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा लें। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और सिखाएंगे कि एक न्यू ईमेल आईडी आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको लेकर के चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों देख सकते हैं जैसे कि हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ गए हैं। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एक ईमेल आईडी बना सकते हैं एकदम ही आसानी से। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि एक ईमेल आईडी आप कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हमको एक एप्लीकेशन आपको दिख रहा होगा, जीमेल एप्लीकेशन दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों। इस पर आपको क्लिक करना है। जीमेल एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आपको राइट हैंड साइड में ऊपर की ओर फोटो का निशान दिख रहा होगा, गोल का निशान दिख रहा होगा दोस्तों। तो उस पर आपको क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। दोस्तों मेरा ईमेल आईडी इसमें ऐड है, तो देख सकते हैं मेरा ईमेल आईडी बना हुआ है। अब आपको सीखना है कि कैसे आप न्यू ईमेल आईडी बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे नीचे की ओर आपको दिख रहा होगा ऐड अनदर अकाउंट, ठीक है। तो उस पर ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक करना है। एड अनदर अकाउंट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको सबसे ऊपर गूगल का ऑप्शन दिख रहा होगा, गूगल पे क्लिक कर देना है। गूगल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे एक क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। तो उस पर हमें नया ईमेल बनाना है, ठीक है दोस्तों। नया ईमेल आईडी बनाना है तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन आ जाएगा, फॉर माई सेल्फ टू मैनेज माई बिजनेस। तो फॉर माई सेल्फ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम जो भी है आप डाल सकते हैं। हम यहाँ पे डाल देते हैं एक नेम पे सोनू भाई डाल देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सोनू भाई मैंने डाल दिया। हमको इसी नाम से ईमेल आईडी बनाना है। आपका नाम जो भी है आप वो नाम डाल सकते हैं, सोनू कुमार या कोई भी जो भी नाम हो आप यहाँ पे डाल सकते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे की ओर नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करना है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे डाल लेना है। यहाँ पे तीन ऑप्शन है, डे का, मंथ का और ईयर का, तीनों में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है। यहाँ पे डे डाल दिया हम, यहाँ जो भी ईयर है वो डाल देना है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे नीचे में आपका जेंडर पूछ रहा है कि आपको किस जेंडर से, मेल है कि फीमेल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको क्रिएट ए जीमेल एड्रेस, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी बनाना है, ठीक है। तो आप कुछ भी अपने नाम से आप ईमेल आईडी बना सकते हैं। तो जैसे हम बना लेते हैं, और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, बीच में आप स्पेस नहीं डालिएगा। जिस भी नाम से आपको बनाना है पूरा ही लिखिएगा, ठीक है। तो जैसे हम सोनू भाई के नाम से ईमेल आईडी बनाना है तो सोनू भाई और लास्ट में कुछ नंबर्स डाल देंगे। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर नीचे ये हमें बोल रहा है, यू कैन यूज लेटर नंबर एंड पीरियड्स। आप जो है लेटर में आप यूज कर सकते हैं और नंबर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेटर में अपना नाम लिख दिया और कुछ भी नंबर हम डाल दिए, ठीक है दोस्तों। बीच में स्पेस कुछ नहीं डालना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे की ओर दिखेगा नेक्स्ट का ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का ऑप्शन आ गया। इस पर आपको एक पासवर्ड बना लेना है स्ट्रॉन्ग सा, जो भी आपको हमेशा याद रह सके, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम एक पासवर्ड बना लेते हैं। हम एक पासवर्ड डाल चुके हैं। अब आपको नीचे की ओर नेक्स्ट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको एक मोबाइल नंबर का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। जिस पे आपका एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, OTP आएगा, उसको यहाँ पे डालना है। तो ठीक है, हम यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डाल लेते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं मोबाइल पे एक OTP आ चुका है, ठीक है दोस्तों। ये सिम हमारे मोबाइल में लगा हुआ था तो ये ऑटोमेटिक अपने आप ले लिया है, ठीक है दोस्तों। अगर आपका सिम किसी और मोबाइल में लगा हुआ है तो आप जो है उस मोबाइल पे आएगा और यहाँ पे डाल करके उसको नेक्स्ट कर दीजिएगा, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे नीचे की ओर आइएगा, इसको थोड़ा नीचे कीजिएगा। तो यहाँ पे यस आई एम इन का ऑप्शन है, इस पर आपको
क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों हमारा ईमेल आईडी बन करके तैयार है। यहाँ पे देख सकते हैं सोनू भाई 6200062@gmail.com हमारा बन के आ चुका है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइवेसी एंड टर्म्स है कुछ, इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आई एग्री का है, उस पर क्लिक कर देना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा देर वेट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अब देख सकते हैं दोस्तों आपका ईमेल आईडी बन करके तैयार है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे नीचे की ओर 6200062@gmail.com हमारा बन करके तैयार है। ठीक है दोस्तों, आप जो है ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड याद रखिएगा, बहुत सारे एप्लीकेशन में आपको आपका यूज़ होगा। ठीक है दोस्तों, आप मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू दोस्तों।